एक्सरसाइज 4.4 पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका मल्टीप्लाई कराना है, मतलब गुणा कराना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट दिया है 3/4 / 5/6 का मल्टीप्लाई या गुणा कराना है। जैसे गुणा कराएंगे अपन तो 3/4 गुणा का निकाल आएगा, मल्टीप्लाई का 5/6। अब क्या करते हैं अपन डिवाइड देंगे, इसे 3 से डिवाइड देंगे 1 टाइम, 3 से इसका डिवाइड कितने टाइम आएगा 2 टाइम। तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 × 5, नीचे बचेगा 4 और क्या बचेगा और 2 बचेगा। ओके स्टूडेंट, 5 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 5 × 5 और 4 का 2 में होगा 4 × 2 = 8। तो इसका आ गया क्या आंसर। ओके स्टूडेंट, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक और 6th क्वेश्चन। इसको अपन को दिया है 20/33, 20/33 मल्टीप्लाई का निशान आएगा माइनस का 11/50। तो माइनस से माइनस कैंसिल, जैसे 0 से 0 कैंसिल, 11 का मल्टी डिवाइड नहीं कितने में 1 टाइम, 11 का इसमें ही नहीं कितने टाइम आएगा 3 टाइम। तो अपन को ऊपर बचेगा ऊपर 1 2 × 1 और 3 × और ये 5, इसका मल्टीप्लाई किया 2 × 2 / 3 5 × 50, तो इसका मल्टीप्लाई आ गया। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरीके से इसके क्वेश्चन करना है। स्टूडेंट अपना सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द मल्टीप्लिकेशन टेक इनवर्स ऑफ, इसका अपन को इनवर्स निकालना है या इनवर्स को कहते हैं अपन प्रतिलोम। स्टूडेंट तो इसको क्या करना है, प्रतिलोम या इनवर्स, इनवर्स सीधा इसका रेसिप्रोकल उल्टा कर देते हैं। इसके नीचे अपॉन में क्या होगा माइनस का है, इसके नीचे अपन ये डिनोमिनेटर क्या मान सकते हैं 1, तो इसको अपन क्या करेंगे इनवर्स करेंगे या प्रतिलोम। तो हो जाएगा 1 ऊपर आएगा और 18 नीचे, तो माइनस का 18, इसका आंसर हो गया क्या हो गया प्रतिलोम। स्टूडेंट इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड में इसका इनवर्स करेंगे तो 5 हो जाएगा ऊपर चला जाएगा जो डिनोमिनेटर, और जो नोमिनेटर है वो नीचे आ जाएगा माइनस का 3। ठीक, इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन है, इसका अपन को क्या करेंगे रिवर्स करेंगे या इनवर्स करेंगे या प्रतिलोम निकालेंगे। जो हर है तो बन जाएगा अंश, जो अंश है तो हर, तो हर क्या है माइनस का 12 तो बन जाएगा अंश, और जो अंश है तो क्या हो जाएगा हर। तो स्टूडेंट इसी तरीके से अपन को इसके क्वेश्चन निकालना है इनवर्स या प्रतिलोम। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे सॉल्व करना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया इसको अपन सॉल्व करेंगे। ये साइन क्या क्या होता है डिवाइड का, माइनस का 4/9 इस डिवाइड का साइन हटा के अगर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी, हर्ष हो जाएगा, अंश बन जाएगा और अंश या हर बन जाएगा। ठीक है, या डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाएगा और नोमिनेटर जो डिनोमिनेटर होगा। तो स्टूडेंट इसे सॉल्व करेंगे, इसे 3 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 3 से जाएगा कितने टाइम 4 टाइम, ऊपर बचेगा माइनस का 4 × + 4 3 × 5 सॉल्व करेंगे माइनस का 16 अपॉन में 15 आ गया था क्या आंसर। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है जो सॉल्व करेंगे माइनस का 2 का निशान हटाएंगे, साइन चेंज करेंगे मल्टीप्लाई, ये चेंज हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा, प्लस का 6 ऊपर माइनस का 5 नीचे, माइनस से माइनस कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई आएगा 2 का 6 में, तो 6 × 2 = 12 अपॉन में 5, तो इसका क्या हो गया ये सॉल्व हो गया। ओके स्टूडेंट इसी तरीके से इसके क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना फोर्थ है, इसमें बताना है हमको वेरीफाई करना है या बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। तो अपन को सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट को सॉल्व करेंगे, दोनों का मान इक्वल आ रहा है तो ये ट्रू होगा, अगर इक्वल नहीं आएगा तो ये फॉल्स स्टेटमेंट कहलाएगा। तो इसे सबसे पहले सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व करते रहेंगे। इसे सॉल्व करेंगे इसे सबसे पहले ब्रैकेट 5/9 मल्टीप्लाई आएगा तो ये हो जाएगा क्या चेंज 3/1 डिवाइड का साइन माइनस का 2/5 ये आएगा 3 टाइम, तो आंसर आएगा ऊपर 5 और नीचे 3, डिवाइड का निशान माइनस का, तो डिवाइड का निशान हटा के मल्टीप्लाई लगाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा 5 और माइनस का 2, ये तो 5 का 5 से मल्टीप्लाई होगा 5 × 5 = 25 इसका माइनस का 6। स्टूडेंट इसका आंसर किया गया, अपन राइट वाले को सॉल्व करेंगे 5/9 डिवाइडेड बाय, इसमें अपन डिवाइड का निशान हटाएंगे मल्टीप्लाई लगाएंगे तो क्या होगा चेंज हो जाएगा 5/-2 5/9 डिवाइडेड बाय 5 × 5 माइनस का हो जाएगा 6,
स्टूडेंट इसे अच्छे चेंज करेंगे 5/9 तो मल्टीप्लाई लगाएंगे तो जब चेंज हो जाएगी तो ये आएगा 9। ठीक इसका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 30 जो 5 से 5 कैंसिल और ये 3 से जाएगा कितने टाइम 3 से जाएगा 2 टाइम 3 से जाएगा 3 टाइम तो आंसर आएगा 2/3। तो अपना स्टेटमेंट लेफ्ट का ये आ रहा था और राइट का आ रहा है ये तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बराबर नहीं है। तो ओके स्टूडेंट इसी तरीके से अपन को क्वेश्चन को सॉल्व करना है।